किसान भाई नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा पशुधन। मैं हूँ संदीप सिंह। आज हम बात करेंगे कि जब हम डेयरी फार्म स्टार्ट करते हैं तो हम ज़रूर सोचते हैं कि इससे हम कितना पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो डेयरी फार्म को अगर आप छोटे स्तर से शुरू करके और सही मैनेजमेंट के साथ में अगर करें तो आप इसमें अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम कि दो गाय से आप कितना पैसा कमा सकते हैं। तो गाय के तौर पर हम HF गाय को रखेंगे, क्योंकि यही गाय हैं जो सबसे ज़्यादा दूध देती हैं और डेयरी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। तो अब कमाई का ऐसा है कि ना तो गाय हमेशा एक समान दूध देती हैं और ना ही हमेशा एक समान खर्चा होता है, क्योंकि जब गाय ब्याती हैं तो ज़्यादा दूध देती हैं, उसके बाद में उसका दूध धीरे धीरे कम होता जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको एक प्रैक्टिकल तरीके से आपको मैं समझाऊँगा, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपको हम पशुपालन से संबंधित अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो सबसे पहले जो आपको गाय ख़रीदने की ज़रूरत होती है डेयरी फार्मिंग के लिए, तो HF जो गाय हैं वो आपको एक गाय लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये में मिल जाती हैं, जो कि एक टाइम का लगभग 10 लीटर दूध दें। क्योंकि गाय जो है ये HF गाय काफ़ी ज़्यादा दूध देती हैं, तो ये 20 लीटर दूध प्रतिदिन का काफ़ी आराम से दे सकती हैं, ठीक है। तो गाय की जो कीमत होती है, आपको दो गाय की कीमत लगभग ये मान लो 1,10,000 से 1,20,000 रुपये पड़ेगी, और जो प्रतिदिन का जो दूध उत्पादन है वो 20 लीटर होगा, यानी कि एक टाइम का 10 लीटर। तो दो गाय का दूध आपको 40 लीटर दूध प्रतिदिन का होगा। अब दूध की जो कीमत है मार्केट में, गांव में काफ़ी कम कीमत रहती है HF गाय के दूध की, ये लगभग भैंस के दूध की भी काफ़ी कम ही रहती है। तो यहाँ पर हम जो गाय का दूध है वो 28 रुपये लीटर मान के चल रहे हैं, जो कि आपको मिल जाएगी। तो 40 लीटर दूध के अगर 28 रुपये के हिसाब से पैसे जोड़े तो आपको 1,120 रुपये की प्रतिदिन की इनकम होगी, जो कि आपको दूध बेचकर हुई है। अब खाने पर जो खर्चा होगा, यानी कि दाने पर, चारे पर, तो सब खर्चा अलग अलग होता है। और दाने का जो रेट चल रहा है अभी 30 रुपये किलो के हिसाब से है, कम ज़्यादा होता रहता है, लेकिन आपको 30 में मिल जाता है, पड़ जाता है आगे घर का आपका अनाज हो तो, ठीक है। तो एक गाय पर आपको 7 किलो दाना लगेगा, जो गाय 20 लीटर दूध दे रही हैं, 7 किलो दाना एक गाय पर आपको लगेगा। तो दो गाय पर लगभग आपको 14 किलो दाना वो खाएगी। अब ऐसा है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आधा खाना देने की ज़रूरत होती है, लेकिन आपके दाने की क्वालिटी कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना दाना उसको दे रहे हैं। तो 14 किलो दाना उसको आपको लगेगा, जो कि 420 रुपये का तो आपको दाना आएगा। अब 1,120 रुपये की आपकी इनकम हुई थी, जिसमें से 420 रुपये का आपका दाना आ गया, और दो गाय के ऊपर हम लगभग ये मान लो कि 80 रुपये का प्रतिदिन का खर्च चारे का जोड़ देते हैं, ठीक है। तो प्रतिदिन का उनको 500 रुपये का खर्च आपको होगा दो गाय के ऊपर, और उसमें ही अगर दाने में हम गुड़ जोड़ें, क्योंकि गाय जब ब्याती है तो उनको अलग से देना पड़ता है, जो कि हम खर्चा नहीं जोड़ते हैं, लेकिन वो भी उसमें ऐड करना पड़ता है। तो 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 1 किलो गुड़ प्रतिदिन दो गायों के ऊपर बहुत होता है। तो 540 रुपये की आपको प्रतिदिन की खपत होती है दो गाय के ऊपर, और प्रतिदिन की जो शुद्ध आमदनी आपकी होती है 1,120 रुपये में से, वो 580 रुपये आपको बचते हैं, जो कि अगर प्रतिदिन के 580 रुपये होंगे तो आपको 17,400 रुपये महीना आपको इनकम होती है दो गाय से शुरू के 4 महीने में, क्योंकि वो ज़्यादा दूध जो है वो शुरू के 4 महीने ही देगी, और इस बीच में आपकी गाय गाभिन भी हो सकती हैं, जो कि आपको उससे भी काफ़ी अच्छा मुनाफा हो सकता है, ठीक है। तो पहले 4 महीने में जो आपकी इनकम होगी वो होगी लगभग 69,600 रुपये, यानी कि 70,000 रुपये आप मान सकते हैं, 69 आप मान सकते हैं, ठीक है। तो पहले 4 महीने में आपकी यही आमदनी रहेगी। अब अगले 3 महीने की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपकी जो गायें अगर गाभिन हो गई हैं तो प्रतिदिन का जो उसका दूध उत्पादन रहेगा दोनों गाय का, वो रहेगा 16 लीटर प्रतिदिन का। तो दो गाय का यहाँ पर आपको 32 लीटर दूध होगा, और दूध की जो कीमत है वही रहेगी 28 रुपये लीटर के हिसाब से। तो 32 लीटर दूध का आपको लगभग ये मान लो आप 896 रुपये का दूध होगा, यानी कि 900 रुपये आप मान लो। तो गाय पर जो प्रतिदिन का आपका खर्चा होगा वो होगा 6 किलो दाना आपको एक गाय के ऊपर देना होगा। तो दो गाय का आपको 12 किलो दाना लगेगा, यानी कि 30 रुपये किलो के हिसाब से 360 रुपये का आपको दाना होगा। अब चारा अगर बात करें तो वही 80 रुपये हम मान के चलेंगे, और जब गाय के बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो उन पे भी आपको दाने की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि 2 किलो दाना वो भी खाएंगे, तो 60 रुपये का खर्चा उसका अलग से आपको होगा। अब पशु पर जो कुल होने वाला खर्चा है आपको प्रतिदिन का, वो 500 रुपये प्रतिदिन के आपको खर्चा होगा, और प्रतिदिन की जो बचत आपकी होगी वो 400 रुपये होगी। यहाँ पर आपको कुल थोड़ी कम बचत होगी, 400 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आपको होंगे, जो कि एक महीने में लगभग आपको 12,000 रुपये का प्रॉफिट होगा।
अब 3 महीने का अगर हम जोड़ें, क्योंकि 3 महीने फिर से आपकी गाय यही दूध देगी, तो 36,000 रुपये आपको हो गए। ठीक है, तो 4 महीने और 3 महीने 7 महीने आपके हो गए हैं। तो अगले 2 महीने आपकी गाय जो प्रतिदिन का दूध उत्पादन रहेगा वो होगा एक गाय का 12 लीटर, यानी कि एक टाइम का 6 लीटर दूध, तो 12 लीटर आपको दूध होगा। तो 2 गाय का आपको लगभग 24 लीटर दूध प्रतिदिन का होगा। 24 लीटर दूध के अगर 28 रुपये लीटर के हिसाब से हम जोड़ें तो 672 रुपये आपके होते हैं। और खाने का ऊपर जो खर्चा होता है वो 4 किलो दाना आपको एक गाय को देना पड़ेगा, जो कि 2 गाय पर 8 किलो दाना लगेगा, जो कि 240 रुपये का होगा, 30 रुपये किलो के हिसाब से। ठीक है, और यहाँ पर जो चारे पर आपको खर्चा होगा आप 60 रुपये मान सकते हैं, और जो बच्चों के लिए जो दाना होगा 60 रुपये का आपको 2 किलो दाना बच्चों के ऊपर लगेगा। उन्हें आप चारे के ऊपर भी आश्रित रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी हेल्थ के लिए हम यहाँ पर दाना उनको देंगे। तो प्रतिदिन का जो कुल खर्चा आपको होगा वो होगा 360 रुपये, और जो इनकम जो आपको हुई थी 672 रुपये हुई थी, जिसमें से आपको 312 रुपये की कुल बचत होगी प्रतिदिन की। तो अगर एक महीने का हम जोड़े तो 9,360 रुपये की आपको बचत होगी 2 गाय से अगले आखिरी के 2 महीने में। तो 18,720 रुपये की आपको 2 महीने की इनकम हुई। अब यहाँ पर आपके हो चुके हैं लगभग 4 महीने, तो सबसे पहले के, उसके बाद 3 महीने, तो 7 और 2, यहाँ पर 9 महीने आपकी गाय ने दूध दिया है आपको, और 9 महीने के बाद 3 महीने जो होते हैं आपको ड्राई होगी। ये यहाँ पर आपका 1 साल हो गया, यानी कि उसको ड्राई छोड़ना पड़ता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि HF गाय ड्राई नहीं होती हैं, लेकिन जो उनके बच्चे होते हैं वो कमज़ोर आते हैं फिर अगली बात में, अगले ब्यात में, तो आपको ड्राई उनके करना पड़ता है। तो यहाँ पर कुल जो 9 महीने में आपको इनकम हुई है 1,24,000 रुपये की आपको इनकम हुई है, और जो एक्स्ट्रा इनकम इनमें होती है डेयरी में वो होती है खाद से, यानी कि अगर आपको 4 ट्रॉली खाद निकलता है 1 साल में, तो वहाँ पर आपको 20,000 रुपये वो मिल जाएंगे, 5,000 रुपये ट्रॉली के हिसाब से। तो 20,000 रुपये आपको ये हो गए, और आपकी जो गाय के जो बछड़े थे 2, उनमें से अगर एक भी आपको बछड़ी होती हैं तो अगले 3 साल में आपकी वो एक परफेक्ट गाय बनकर तैयार हो जाती हैं, जो कि 50,000 रुपये वो भी 3 साल में आपको देगी। और एक्स्ट्रा खर्चे की अगर इसमें हम बात करें तो 6,000 रुपये आप मेडिसिन खर्च मान सकते हैं, 5,000 रुपये का इसमें हम मिनरल मिक्सर मान सकते हैं, जो कि हमने पहले खाने में ऐड नहीं किया था। और अगर आप भूसे के तौर पर अगर कुछ एक्स्ट्रा इनको खिलाना चाहे तो 5,000 से 10,000 रुपये आप वो भी मानकर चल सकते हैं। तो यहाँ पर जो कुल इनकम आपको हुई थी 1,24,000 और 20,000 रुपये खाद के, तो 1 लाख में से तो 1,44,000 रुपये हुए। उसमें से अगर एक्स्ट्रा खर्चा हम माइनस करें 11,000 रुपये मेडिसिन का और 5,000 से 10,000 रुपये आप भूसे का अलग से, तो यहाँ पर आपको 1,25,000 रुपये मानकर आप चलो कि यहाँ पर आपको बचत होगी। ठीक है, जो कि 1,25,000 रुपये आपको 1 साल में मिलेंगे 2 गाय से। और ये कोई हम एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं आपको, ये सिर्फ एक अनुमान है आपकी कीमत जो है गाय की, वो अगर ज़्यादा होगी तो गाय अच्छी होगी, गाय अगर ज़्यादा दूध देगी तो आपको ज़्यादा बेनिफिट इसमें होगा। ठीक है, और 2 गाय के ऊपर आपको कोई मजदूर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपने मजदूर का खर्चा नहीं जोड़ा है, क्योंकि आप खुद क्या करेंगे, मेरी बात सुनो, कि अगर आप डेयरी फार्म कर रहे हैं तो इतना तो आप कर ही सकते हैं कि 2 गाय के ऊपर तो आप खुद काम करना पड़ेगा आपको, तभी जाके आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि इसमें से आधे से ज़्यादा खर्चा तो आप मजदूर के ऊपर ही कर दोगे अगर जो मजदूर रखेंगे। तो डेयरी फार्मिंग में ऐसा है कि जब आप अच्छे मैनेजमेंट के साथ में करेंगे, अच्छा खाना आपकी गाय को खिलाएंगे, तो आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, हम ऐसे ही अच्छे अच्छे पशुपालन संबंधित आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं। डेयरी फार्मिंग में सफल होने में लगभग आपको 3 साल का वक्त लग सकता है, जिससे कि आने वाली बछड़ियाँ आपके फार्म में तैयार होगी और शानदार गाय आपके फार्म पर बनेगी, जिससे कि अगले 3 साल में आपका एक डेयरी का शानदार ढांचा बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे कि आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट इसमें होगा।